हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के आज इस नए कंपैरिजन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे दो ऐसे ब्रांड, एक तो वो जिसको ब्रांड समझा जाता है मतलब बिल्कुल इलीट क्वालिटी का सैमसंग का ब्रांड, और एक वो जो कि बहुत ही अच्छा प्रतिद्वंदी है और चाइनीज कंपनी में बहुत ही ज़्यादा उछलते हैं लोग नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड करके, क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड करके। कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनीज ने नॉन चाइनीज कंपनीज की बैंड बजा रखी है क्योंकि ये लोग ज़्यादा स्पेसिफिकेशन ऑफर करते हैं, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांड वैल्यू आ जाती है, ट्रस्ट आ जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप फोन लेने जाते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू जो फोन ज्यादा दे रहा है उसके लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे आप कहेंगे कि यार इसमें तो एड्स वगैरह होते हैं, तो यहां पे भी सैमसंग ने भर भर के ऐड दिए हैं। तो आज हम आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं कि भाई आपके पास अगर 20,000 रुपए हैं तो क्या आपको थोड़ा सा ऊपर बढ़ के तकरीबन 23,000 रुपए का सैमसंग का F62 लेना चाहिए, या फिर थोड़े पैसे बचा के तकरीबन 19,000 रुपए में रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल स्मार्टफोन की कंपटीशन में किस तरह से कंपनी जो है कंजूसी कर रही, कहीं ना कहीं पैसे बचा रही है, और वो चीज साफ साफ दिखती है जब इन दोनों बॉक्स के बॉक्स कंटेंट्स आप देखेंगे। तो यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है जो कि बहुत ही कीमती हो गई आजकल, और वो है ये सिलिकन केस, जो कि आता तो 10 रुपए का है लेकिन सैमसंग वो 10 रुपए बचाना चाहता है और आपको ये फोन देना चाहता है जिसमें प्लास्टिक बैक है। हालांकि इसकी लुक एंड फील बहुत ही बढ़िया है नो डाउट, लेकिन इस पर स्क्रैचेस भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं और यहाँ पे केस आपको नहीं मिलता है। तो फोन खरीदने के साथ साथ आपको केस भी खरीदना पड़ता है, जबकि ये फोन थोड़ा महंगा भी है इन कंपैरिजन। जबकि रेडमी के इस फोन में आपको ग्लास बैक मिलती है जो कि इतनी आसानी से स्क्रैच नहीं होती है, और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक एंड फील भी काफी शानदार है। तो बिल्ड क्वालिटी मटेरियल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, फिनिशिंग के हिसाब से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में आपको केस मिल रहा है, साथ साथ बैक भी जो है ग्लास मिल रहा है, वो प्लास्टिक नहीं है। दोस्तों दूसरी बात जो कि बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है कि भाई चार्जर कितने वॉटेज का है, क्योंकि उससे डिपेंड करता है कि आपका फोन कितनी देर में चार्ज होगा। यहाँ पे आपको 33 वॉट का चार्जर मिल जाता है रेडमी के फोन के साथ, जबकि सैमसंग के फोन के साथ आपको 25 वॉट का चार्जर मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो चार्जिंग स्पीड यहाँ पे बेहतर मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ मिनटों का फर्क है जो कि आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए मैटर करता है या नहीं। दोस्तों बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी बहुत मैटर करती है आजकल के समय में। 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है इस फोन में, लेकिन उसकी वजह से ये फोन थोड़ा भारी भी हो जाता है और एजेस थोड़ी ज्यादा ही थिक हो जाती है, जबकि यहाँ पे आपको काफी हद तक स्लिम एजेस मिल जाती है, राउंडेड एजेस मिल जाती है, ज्यादा फील नहीं होता है इसका वेट। इसका वेट 200 ग्राम से कम है, जबकि ये तो 200 ग्राम से ऊपर चला जाता है, लेकिन बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो अगेन अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो आपको थोड़ा सा फॉर्म फैक्टर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फोन थोड़ा मोटा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं लेकिन बड़ी बैटरी चाहिए तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म फैक्टर वाइज बेहतर लगता है, फोन ज्यादा भारी फील नहीं होता, जबकि ये तो भारी फील होता है। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। इस बार यहाँ पे दोनों डिस्प्ले को कंपेयर करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही AMOLED डिस्प्ले है। सैमसंग हमेशा अपने AMOLED डिस्प्ले से आगे निकल जाता था, लेकिन इस बार रेडमी ने AMOLED डिस्प्ले तो दिया है, साथ ही साथ ये एक 120Hz वाला डिस्प्ले है, जबकि यहाँ पे आपको 60Hz का डिस्प्ले मिलता है। अब देखा जाए तो इंडोर यूसेज में अगर आप गेमिंग वगैरह करेंगे या फिर कोई वीडियो चला के देखेंगे तो आपको कलर्स वगैरह सब कुछ दोनों में अच्छे लगेंगे। विंग एंगल्स भी दोनों के ऑलमोस्ट गुड हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, किसी भी एंगल से देख लीजिए दोनों ही डिस्प्ले आपको विजिबल दिखेंगे, लेकिन डिस्प्ले की ब्राइटनेस में Redmi Note 10 Pro Max आगे निकल जाता है, जबकि यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और डिस्प्ले की साइज की बात करें तो बहुत ही हल्का सा फर्क है, ये है 6.7 इंच का डिस्प्ले और ये है 6.67 इंच का डिस्प्ले, तो ऑलमोस्ट अगर आप साइड बाय साइड पकड़ेंगे तो डिस्प्ले बराबर ही है। और बात करें पंच होल कैमरा की, तो पंच होल कैमरा तो दोनों में मिल जाते हैं, लेकिन इसका पंच होल और भी छोटा है कंपेयर टू सैमसंग का पंच होल। और अगर हम बॉटम चिन की बात करें तो बॉटम चिन में ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, कोई ज्यादा फर्क मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको अलग अलग तरह के सीपीयू मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक्सिनस का सीपीयू मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का सीपीयू मिल जाता है, दोनों के सीपीयू मॉडल आपके सामने है और एंटूटू बेंचमार्क के स्कोर भी आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है जब यूसेज हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट दोनों फोन्स में चला के देखा है और दोनों ही फोन्स कुछ हद तक थ्रॉटल करते हैं। 3 मिनट के बाद थ्रॉटलिंग यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है,
होती है, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थ्रॉटलिंग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही होती है कंपेयर टू थ्रॉटलिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब N22 बेंचमार्क में तो ये आगे निकल जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट गेमिंग परफॉर्मेंस में डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro Max बेहतर निकल के आया। जब हमने यहाँ पे गेम खेला है तो गेम खेलने के बाद ये उतना हीट नहीं हुआ और गेम की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर रही, जबकि इस फोन के अंदर गेमिंग करते समय वो थोड़ा ज्यादा हीटअप हो जाता है, खासतौर से आधा घंटे बाद। तो एक्सटेंसिव गेमिंग के लिए अगर आप इन दोनों में से कोई एक फोन को सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो Redmi Note 10 Pro Max होना चाहिए। दोस्तों परफॉर्मेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और सिनेरियोज और अलग तरह की यूजर्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे गेमिंग नहीं करेगा इन दोनों फोन में। तो वो लोग जो ज्यादा गेमिंग नहीं करते हैं उनके लिए इन दोनों में से कौन सा फोन बेहतर है? तो डे टू डे यूसेज में आपके फोन की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आपका CPU बट आपके फोन में स्टोरेज कैसी है, रैम कितनी है और क्या टाइप की रैम है वो मैटर करता है। तो रैम के मामले में तो दोनों ही इक्वल है, दोनों में ही LPDDR4X रैम आपको मिल जाती है, लेकिन स्टोरेज में सैमसंग का F62 आगे निकल जाता है। इसमें आपको UFS 3.0 वाली स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 10 Pro Max में UFS 2.0 वाली स्टोरेज मिलती है और ऐसे में रीड स्पीड यहाँ पे ज्यादा आ जाती है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीटास्किंग और स्मूथ रहती है और ओवरऑल यूसेज में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, एप्लीकेशन को स्विच करते हैं तो आपको ये ज्यादा स्मूथ फील होगा। लेकिन यहाँ पे 120Hz का डिस्प्ले है तो वो हाई रिफ्रेश रेट से कहीं ना कहीं ये भी कुछ पॉइंट स्कोर कर लेता है। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों ही फोन डे टू डे यूसेज में आपको बढ़िया मिलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आपकी यूसेज और चॉइस के हिसाब से आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों UI के हिसाब से दोनों में ही आपको Android 11 तो मिल ही जाता है और दोनों का ही कस्टम UI है। दोनों UI में अलग अलग तरीके से आपको एड्स या ब्लॉटवेयर दिए जाते हैं, यहाँ पे आप ब्लॉटवेयर वगैरह को अनइंस्टॉल कर सकते हैं दोनों ही फोन में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो UI बहुत ही स्पेसिफिक चीज हो जाती है। अगर आपको MIUI के फीचर्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro Max आपके लिए सही है, लेकिन अगर आपको Samsung का UI ज्यादा स्मूथ लगता है और उस केस में ब्लॉटवेयर से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आपको ज्यादा ब्लॉटवेयर मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ब्लॉटवेयर कम हो गए हैं समय के साथ। इनको बेसिकली हमने काफी डाटा है कोरोना टाइम में, तो इन्होंने अपने ब्लॉटवेयर कम किए हैं, लेकिन सैमसंग ने उल्टा अपने ब्लॉटवेयर बढ़ा दिए। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है यूजर इंटरफेस में दोनों फोन पे। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों में ही कहने को आपको चार कैमरास मिल जाते हैं, यहाँ 108 मेगापिक्सल है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल है। लेकिन मेगापिक्सल को साइड में रख के हम सीधा आपको कैमरा सैंपल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने पोर्ट्रेट मोड की फोटो कैप्चर की है दोनों फोन में और आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की फोटो ज्यादा अच्छी मुझे लग रही है Redmi Note 10 Pro Max की, क्योंकि अगर आप जूम इन करेंगे ना तो फेस पूरा क्लियर है, बालों की क्लैरिटी बढ़िया बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग के इस फोटो के अंदर वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्किन टोन जो है शायद आपको ये सैमसंग का पसंद आए या फिर आपको यहाँ पे Redmi का पसंद आए, दोनों में ही देख के मुझे तो ज्यादा बेहतर लग रही है फोटो Redmi Note 10 Pro Max की। आपको दोनों में से कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है ये बताएं कमेंट्स में। दोस्तों फ्रंट कैमरा सेल्फी की बात करें तो फ्रंट कैमरा सेल्फी हमने यहाँ पे कैप्चर की है और इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन की फोटो जो है अच्छी आ गई है। इंडोर में कैप्चर हुई है सेल्फी और अगर आप जूम इन करेंगे तो ज्यादा डिटेल आपको नहीं देखने को मिलेंगे सैमसंग की सेल्फी में, ये कुछ हद तक फट जाती है जब आप जूम इन करते हैं, जबकि यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max की सेल्फी थोड़ी सी बेहतर है। हालांकि बहुत ही ज्यादा क्लियर सेल्फी तो दोनों में भी किसी में नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे बेहतर लग रही है Redmi Note 10 Pro की सेल्फी कंपेयर टू Samsung की सेल्फी। Samsung की सेल्फी में येलो टोन जो रहा थोड़ा ना ज्यादा ही आ गया है, जबकि यहाँ पे वो बैलेंस्ड है। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल सेल्फी के मामले में अगेन मुझे Redmi Note 10 Pro Max ज्यादा बेहतर लग रहा है और इसकी वाइड एंगल सेल्फी भी है, मतलब इट कैप्चर्स मोर एरिया, जबकि ये थोड़ी जूम्ड इन वाली सेल्फी है। दोस्तों वाइड एंगल फोटो की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की फोटो आ जाती है दोनों ही फोन्स के वाइड एंगल कैमरा से। अब इस फोटो के अंदर सैमसंग ने कमाल करके दिखाया है, क्योंकि सैमसंग की फोटो के अंदर अगर आप पेड़ों पे ध्यान देंगे, जूम इन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया क्लैरिटी, ज्यादा बढ़िया कलर्स ओवरऑल मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है वाइड एंगल की फोटो में सैमसंग ने बाजी मार ली है और ओवरऑल ये फोटो डेफिनेटली सैमसंग की ज्यादा अच्छी लग रही है वाइड एंगल में कंपेयर टू Redmi Note 10 Pro Max, जिसकी फोटो के अंदर ब्राइटनेस भी कम है, क्लैरिटी की भी कमी है, मतलब मजा नहीं आ रहा। Note 10 Pro की वाइड एंगल फोटो इज नॉट गुड। दोस्तों एक नॉर्मल फोटो सैंपल हमने यहाँ पे एक्शन फिगर की कैप्चर करी है, जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका है, छोटे से आप देख सकते हैं। तो इस कैप्टन अमेरिका की फोटो को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फोटोज अच्छी लग रही है नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर जो है फोटो सैमसंग की आई है। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली कलर्स को बूस्ट जैसा लग रहा है Redmi Note 10 Pro Max की फोटो में, जबकि सैमसंग की ये फोटो के अंदर कैप्टन अमेरिका के कलर्स बिल्कुल एग्जैक्ट नेचुरल आए हैं, जबकि Redmi Note 10 Pro Max उन कलर्स को थोड़ा चेंज कर रहा है।
आप अगर यहाँ पे देखेंगे एक्शन फिगर के ऊपर जो ब्राउन कलर का हेलमेट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो सही कलर यहाँ पे है, जबकि ये थोड़े से ज्यादा ही उसको ओवर सैचुरेट कर दिया है। दोस्तों ऑडियो के हिसाब से कंपेयर करें तो सैमसंग का फोन पीछे रह जाता है सिंगल स्पीकर से, जबकि यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर मिल जाते हैं और साउंड की क्वालिटी एंड लाउडनेस दोनों बेहतर लग रही है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में इन कंपेरिजन टू F62। फाइनली कंक्लूड करूं इस कंपैरिजन को, तो कैमरा में तो दोनों फोन आगे पीछे रहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल फीचर्स की बात करें, जैसे कि दो स्पीकर्स अगर आपको चाहिए, साथ साथ आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, ब्राइटेस्ट डिस्प्ले चाहिए, बड़ी बैटरी भी चाहिए और साथ साथ एक बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीक परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो आप F62 के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां पे वो परफॉर्मेंस बैलेंस नहीं रहेगी, बैलेंस परफॉर्मेंस आपको रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में मिलेगी। लेकिन हाँ, दोनों ही फोन्स में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ भी बुरी बातें हैं, लेकिन अगर मेरी बात माने तो पैसे बचाइए और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के लिए जाइए, अगर आपको सैमसंग से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि ये फोन अच्छा है नो डाउट, लेकिन ये फोन कोई बुरा नहीं है। परफॉर्मेंस में F62 आगे चलेगा, लेकिन बैलेंस परफॉर्मेंस रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमें देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।